Hi guys, welcome back to my channel. After so long time, 2023 में मेरा first vlog आ रहा है ये, तो might be मैं अपना वो भी लिख दूंगी title. कर लेती हूँ मैं ऐसा काम. Anyways, welcome back to my channel and I am so happy कि मैं अपना फिर से फोन पकड़ रही हूँ and फिर से vlog कर रही हूँ. और मैं अपने आप को चैलेंज देना चाहती हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स करूंगी, फिंगर क्रॉस कर रही हूँ, जिससे कि ये मैं कर पाऊँ. मेरे को पता है अभी तक 2022 में आपने मुझे लास्ट देखा था और अब आप देख रहे हो, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं मैं आपको बता देती हूँ. हार्मोन इम्बैलेंस हो रखे हैं, इसलिए मेरा मोटापा फैला जा रहा है. मैं फैली जा रही हूँ, रुकने का नाम नहीं हो रहा है. एंड डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी, नहीं किया है मैंने, करूंगी, ठीक है. और थोड़ा सा अपने आप को लेके सीरियस नहीं थी, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रही थी, तो वो भी करूंगी अब. एंड शॉप जाना शुरू किया है, तो आज मैं आपके साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग में शेयर ही करते हैं ना अपना डेली रूटीन, तो मैं वही करने वाली हूँ. एंड मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या कहते हैं, यू वॉन्ट टू सी माई डेली रूटीन, सो आप सबने येस किया था. आई नो बहुत लोग वेट करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, बट जो लोग वेट करते हैं उनके लिए अब ये लड़की करेगी व्लॉग, खिदमत में हाजिर, कुछ यही बोलते हैं ना. अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा. और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या वियर किया हुआ है, और साथ साथ मेरा ब्रेकफास्ट चढ़ा हुआ है क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करके शॉप जाना है. तो आपके साथ पूरा रूटीन शेयर होने वाला है. एंड साथ साथ मैं आज सोच रही हूँ कि मैं ईयर पियर्सिंग करा लूँ, यहाँ पे मेरा बहुत मन कर रहा है. सो देखते हैं, मेरे दिमाग में चढ़नी चाहिए. अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, एक चीज़ दिमाग में घर करनी चाहिए, अगर वो कर गई तो मुझे वो चीज़ करनी ही करनी है. सो अगर वो कर गई, आई डोंट नो, तो मैं कर लूँगी, शॉप पे जाके पता चलेगा. एंड आज का रूटीन मेरा थोड़ा सा बिजी है, शॉप पे काम है, तो देखते हैं कैसे चलता है. लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखा देती हूँ, एंड उसके बाद चलते हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए, ठीक है. सो मैंने वियर किया हुआ है ये कुर्ती, अच्छी सी लग रही है ना, अपनी ही शॉप की पहनी है, एडवर्टाइजमेंट में खुद करती हूँ, और किसी से क्यों बोलूँ, खुद ही कर सकते हैं भाई, इन्फ्लुएंसर है हम, है ना. फिर मैंने वियर किया है ये टाइट्स नहीं है वैसे, ये है रीबॉक का लोवर था, बेल बॉटम स्टाइल में, बट ये मेरे को कंफर्टेबल लगता है तो मैं यही वियर करती हूँ. और फिर मैंने वियर करी है ये फ्लैट्स, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है क्योंकि मैं फ्लैट्स ना डेली पहन सकती हूँ, शूज़ नहीं पहन सकती गाइज, और गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, मुझे हो जाती है सफोकेशन, सो इसीलिए. एंड ये टॉप मेरे को बहुत प्यारा लगा था, इसलिए ये पहन लिया आज. आज काजल लगाया है, ऑल दो मैं वेयर नहीं करती क्योंकि ना आंखें काली हो जाती हैं, बट मुझे ना काजल बहुत पसंद है. फिर मैंने सोचा जब इतने टाइम बाद व्लॉग कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं, राइट. सो ये है मेरा होल लुक. अब चलते हैं जल्दी से किचन में क्योंकि भूख लगी है, खाना दो, चलो चलते हैं. आप बना लो. अच्छा, आजकल आप ही के हाथ की पी रही हूँ. नहीं, नो मजबूरी. यहाँ पर जब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था, मैंने सोचा बॉटल्स रेडी कर लेती हूँ जो शॉप पे जाना है, ठंडा पानी, और उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया, और साथ साथ मैं मम्मी से गप्पे भी मार रही थी, तो मैंने वो टाइम लैप्स पे लगा दिया था. मेरे को चीला खाना बहुत पसंद है और वो मेनली मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ. इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप मेरे उसमें देख सकते हो, शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो. बस यही बोलना था. और चाय तो आपको पता है, मेरी चाय तो मेरी जान है, तो उसके बिना तो मेरा ब्रेकफास्ट होएगा नहीं पूरा. यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ फ्रूट्स अपने लिए, भाई के लिए और पापा के लिए, क्योंकि फिर मैं सीधा रात को घर आती हूँ. अगर मेरे को कोई वो ना हो रहा हो, डिजीनेस ना हो रहा हो या थकान ना हो, तभी आती हूँ, वरना मैं शॉप पर ही रहती हूँ पूरा दिन. और यहाँ पर मैं पूरा क्लीन करते हुए एंड उसके बाद अब जाने की तैयारी. यहाँ पर मैं मास्क ले रही हूँ, और फिर मुझे अपनी कीज़ नहीं मिली एक्टिवा की, मैं ढूंढ रही थी, मम्मा ने रखी थी और वो मैंने ढूंढा नहीं मिली. एंड फिर जब मिली उसके बाद मैं कुछ ऐसे गई.
ड्राइव करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, अब मैं शॉप पर हूँ और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर रही हूँ। एक कस्टमर का ये गाउन था तो ऑल्टर होकर आया था, बट उसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स थे वो मेरे को कट करने थे। मैं खाली बैठी थी, मैंने कहा मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ, नॉट अ बिग डील। वैसे मेरा यहाँ काम होता है सुपरवाइज करना, और अभी यहाँ पे पीछे पूरा मैं सो रखा है, माल आया है उस पर रेट डालने हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्लाइंटेज चल रही है, उसके बाद ये काम होगा। अभी मेरा टाइम हो रहा है कुछ फ्रूट्स खाने का, आपने देखा था मैंने कट किए थे, तो अभी मैं वो खाऊंगी और उसके बाद शायद पियर्सिंग के ले जाऊंगी, देखते हैं। चलो, अभी तो अपडेट दे रही थी मैं छोटू सा, लेकिन अभी बहुत सारा खुला हुआ है, कोई नहीं, अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं आपको शॉप टूर देती हूँ। ये है बैक एंट्री और यहाँ से हम जब आते हैं तो यहाँ पर सारे लोग काम कर रहे हैं। मैंने सबको बोला हाय बोलो, सबने हाय बोला एंड डैडी ने भी बोला हाय। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पोशाक गारमेंट्स कौन सी है। आप ये पोस्टर देख सकते हो, वही वाली शॉप है पोशाक गारमेंट्स, और कोई शॉप पोशाक गारमेंट्स नहीं हो सकती गाइज, हम हैं पोशाक वाले। सो ये है हमारी कुछ एंट्री, ऐसे आप देख सकते हो फ्रंट हमारा ऐसा दिखता है। डमी का कलर चेंज हो सकता है, मतलब कपड़ों का, बट एंट्री यही रहती है। और यहाँ पर ये क्लाइंट अटेंड कर रही थी तो मैंने हल्का सा क्लिप ले लिया था। ये क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पापा बहुत टाइम बाद क्लाइंट अटेंड कर रहे थे। उसके बाद मैं कुछ खाते हुए इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल डाल रखा है कि मेरे को पियर्सिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो देखते हैं क्या पोल आता है। अगर यस तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। अभी भूख लग रही है, वेटिंग फॉर टिफिन। It's time for lunch. ये मेरा चाय, दही, lots and lots of cucumber and sabzi. So ye hota hai mera lunch. Yahan aa gaye hai mera parcel, dekhte hain kya aaya hai. So pehle mein to aaya hai ye sitafal ki side se, and इसमें मुझे एक पाउच आया है, ठीक है, बहुत क्यूट है एंड बहुत बड़ा है, दिखाती हूँ मैं, देखो मस्त मज़ा आ गया देख के, एंड ऐसे जूट जूट में प्यारा लग रहा है, ठीक। और दूसरा आया है मास्क की साइड से, और इसकी मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने इसकी लिपस्टिक्स ट्राई करी हैं एंड वो तो बहुत अल्टीमेट है। मार्स की मैं फ़ैन हूँ, फ़ैन लिटरली। सो अब मैंने ऑर्डर किया था इसका कंसीलर, फिर एक ही आया है मेकअप रिमूवर, एक लिक्विड लाइनर, फिर आया है ये एक प्राइमर, ये लाइनर है, मैंने इसको प्राइमर बोला क्या, मैं करेक्ट कर देती हूँ। एंड ये इसका वो है स्वॉच, जेट ब्लैक है। और एक ये मुझे आया है लिपस्टिक का पैलेट, जो आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है ना, दो तीन कलर्स को मिक्स करके अपना एक फेवरेट कलर बनाओ वो। सो इस पे मैं शॉर्ट्स ज़रूर बनाने वाली हूँ। ये था जो इतने बड़े बड़े डब्बों में आया था। शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे हमने सारा सेट वाइज लगा दिया है क्योंकि रेट डलना है अब इसके बाद। सो कुछ ऐसा चल रहा है मंजर अभी दुकान का, उधर डल रहे हैं रेट्स, यहाँ स्पेस बन रहा है, वो कस्टमर अटेंड कर रही है, आगे है कैश काउंटर, उधर उस तरफ। घर आने के बाद मेरी ड्यूटी होती है ऑस्कर को घुमाने की, उसके बाद उसे फीड देने की, तो वही काम कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को फीड करूँगी। सब फनी, इतना भी नहीं था वैसे, बट हंस लेना थोड़ा सा। टेनिश हो रहा है और अभी हम सब घर पे आए हैं, तो अभी कोल्ड कॉफ़ी
और खाने सब पड़ा है। हमारा ये होता है, हम जब भी शॉप से आते हैं पहले कुछ लेते हैं, चाय कॉफ़ी, एंड देन हम आगे खाने की तरफ जाते हैं। ये रहा मेरा डिनर और कुछ ऐसे जाता है मेरा पूरा दिन। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर किया होगा और मेरा ये व्लॉग आप यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे देखते देखते। और अब मैं मिलूँगी आपको खाना खाने के बाद। मैं आ गई हूँ रूम में और अब सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, 11:30 हो गए हैं तो टाइम से सोऊँगी, टाइम से उठूँगी, और फिर नींद पूरी नहीं होती है ना तो पूरा दिन थकान वाला जाता है और इरिटेशन रहती है। सो सोच रही हूँ अभी सो जाऊँगी और सुबह उठ के ये व्लॉग एडिट करूँगी और सेम डे डालूँगी। मतलब आज है, एक सेकेंड, हाँ आज है 9th ना, तो ये व्लॉग आएगा मेरा 10th of May को। फिंगर क्रॉस ये एडिट होके डल जाए, क्योंकि मैं इससे पहले 2 बार अपना व्लॉग बना चुकी हूँ और दोनों बार नहीं डाला है मैंने, एडिट भी नहीं किया, जहमत भी नहीं करी मैंने। वही मैंने कहा था ना कि पता नहीं, हो नहीं रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि अरे यार व्लॉग बनाना है, व्लॉग बना लिया, चलो हिम्मत करके व्लॉग भी बना लिया, लेकिन फिर एडिट करने के टाइम पे ऐसा लगता है यार इतने टाइम बाद डालूंगी, कोई देखेगा नहीं देखेगा, नहीं पता होता ना। सो अब मैंने सोचा है कि चाहे एक बंदा देखे पर मैं व्लॉग डालूंगी, रोज़ डालूंगी, चाहे मेरा सेम रूटीन हो। एक्चुअली मैं क्यों नहीं डालती थी व्लॉग, क्योंकि मेरा रूटीन सेम ही रहता था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में फ़िलहाल के लिए। शॉप से घर, घर से शॉप, बस यही रूटीन है मेरा और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार कब तक, कभी ना कभी तो डालना पड़ेगा। सो मैंने सोचा, वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो मैंने सोचा चलो देखी जाएगी, और लेकिन अब मैं व्लॉग करूँगी। सो आज से स्टार्ट किया है, फिंगर क्रॉस एंड पॉजिटिव नोट के साथ आज व्लॉग बनाया है, और कल पॉजिटिव नोट के साथ ही मैं व्लॉग एडिट करूँगी। देखते हैं कैसा जाता है रिस्पॉन्स एंड मैं कितनी पॉजिटिव रहती हूँ, कब तक पॉजिटिव रहती हूँ ये भी नहीं पता है मुझे, बट सपोर्ट करोगे तो पक्का हो जाएगा। तो चलो अब बिना ब्लैबर करे मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और आप मेरी बातें कब तक सुनोगे, इतनी देर से सुन ही रहे हो ना, पूरा व्लॉग आपने देख लिया तभी आप एंड तक पहुँचे हो। तो अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन बाय।